क्या, अबे तू बैठ तो जा, जो सोरी डाल लेते ह्यूमर पे। चल भाई अरे बॉनफायर लगाओ बॉनफायर। अरे बताए, हाँ अभी ये भीमा अशरफ ने एक स्टोरी बताएगा। रात के पता कितने बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं अभी। कुछ भी रात के 3 बज रहे हैं। कोई साया है जिसने हमें, अरे चुप हो गए ना सब। चल चल बता, जल्दी बता। ऑन पब्लिक डिमांड वी आर ब्रिंगिंग यू अ हॉरर स्टोरी। प्रॉब्लम ये, हमारे पब्लिक डिमांड नहीं करती हमसे। हम खुद ही प्रस्तुत करते हैं। चल 450 लोग भी मिलके नहीं साथ दे सकते एक हमारा। उसकी ना जैसे मॉम की शायद डेथ हो गई थी, तो उनको लगा कि उनकी मॉम जो है उनके आसपास, मतलब है अभी भी, मतलब स्पिरिट जैसे फील होती है ना लोगों को, ऐसे उनको लगा कि है अभी आसपास। तो उनको जो उनके फादर थे एक बार बहुत ज़्यादा सैड हो गए थे, मतलब डिप्रेस से फील कर रहे थे उसके फादर जो है बहन के फ्रेंड के, समझ ना। ठीक है, उसके बाद जैसे वो वरना अकेले बैठे हुए थे, अकेले थे, बिल्कुल अकेले थे, कोई था नहीं उनके रूम में। तो उन्होंने बैठ के बहुत ज़्यादा सोच रहे थे उसकी मॉम के बारे में कि यार ऐसे क्या होगा क्या होगा वगैरह वगैरह। तो उन्होंने सोचा कि मेरे को एक बार ना ये चीज़ देखनी है, ये वाली जैसे स्पिरिचुअल एक्टिविटी जो होती है, स्पिरिट्स हैं, घोस्ट वगैरह हैं, सारे उनको देखना है एक बार, मतलब अपनी आंखों से, मतलब इसी प्रेजेंट, मतलब आप जिंदा हो लेकिन आपको देखना है अपने आसपास। तो वो ये सोच ही रहे थे, एकदम से उनकी जो मतलब उनके आसपास की सराउंडिंग से एकदम से फ्रीज हो गई सारी एकदम से। ये भविष्य ऊपर क्या देख रहा है, किसको देख रहा है भविष्य? अच्छा सॉरी। तो उसकी मतलब उसके फादर की जो वो थी ना, मतलब आसपास की सराउंडिंग एकदम फ्रीज हो गई और एकदम से अनजान लेडी वाइट कपड़ों में उनके सामने आती है, काम करने लग जाती है, डेली कोरस का काम करने लग जाती है इनके सामने। वाइट ही क्यों? वाइट कपड़ों में, अब ये तुम कनेक्ट मत करना कि हमेशा आत्मा वाइट कपड़ों में ही आती है इसलिए कुछ, मतलब वो बैठे हुए उनके सामने, मतलब एक बंदा, मतलब अनजान व्यक्ति उनके सामने आया है और पता चल रहा है कि वो असली में नहीं है, असली में वो बंदा नहीं है और वो उनके सामने आके काम कर रहा है, उनके सामने से ये कपड़ा मार रहा है टेबल पे। अभी हमें बोलना कि सर्वेंट होगा उसके, वो स्कूल जानता नहीं होगा, कोई सर्वेंट नहीं था। उन्होंने मतलब ऐसे सोचा, ऑन द स्पॉट ही फ्रीज हो गए, जैसे मैं बात करूँ, मुझे देखना मैं फ्रीज हो गया, फ्रीज हो गया। मेरे सामने से एक बंदा आता है वाइट कपड़ों में और वो काम कर लग जाता है और कुछ बोल नहीं पा रहे, वो जैसे मैं बोल रहा हूँ ना अभी, वो बोल भी नहीं पा रहे थे उस बंदे को देख के। वो रियल है? ये रियल है, रियल स्टोरी है ये, मेरी बहन की फ्रेंड के साथ हुआ है यार। और वो बस वो देखते रह गए, देखते रह गए और पता नहीं क्या हुआ फिर उसके बाद। काम करके चली गई है? काम करके चले गई, बताओ फ्री फंड का। मतलब वो घर में फ्रीली घूम रही है भाई, कुछ कर नहीं पा रहे ना, कुछ बोल पा रहे हो क्या, क्या चीज है ये? कुछ तो होगा ना। अबे ये तो ये कुछ नहीं है, भांगड़ भांगड़ का मैंने सुना था। अरे वो तो सुना है भाई। चल बे चल, मुझसे टायर पंचर हो जाते हैं। किसी ने वैसे वो राजस्थान में एक जगह है झुंझुनू करके, उसके बारे में सुना है? वो जहाँ पे कैसल है, जहाँ पे कैसल है। हाँ मतलब कैसल नहीं, कैसल नहीं है झुंझुनू में, मतलब एक गांव टाइप है झुंझुनू में, और गांव के थोड़ा सा बहुत सुनसान सा रास्ता है वहाँ पे, क्योंकि राजस्थान है तो थोड़ा मतलब पत्थर। तो ना वहाँ पे एक ढाबा होता है, मतलब ढाबा था पहले, बहुत साल पहले। लाइक मैंने खुद सुना है कि मेरे नेबर्स हैं, ठीक है, तो उन्होंने ये बताया था कि एक बार वो राजस्थान जा रहे थे, तो उनको ना मतलब झुंझुनू से पास होके, मतलब झुंझुनू क्रॉस करना था, तो उन्होंने बहुत ऐसे डरावनी लाइक कहानियां सुन रखी थी, क्योंकि वो नेटिव राजस्थान से हैं, तो उन्होंने ऐसे सुन रखा था झुंझुनू के पास अगर, बहुत साल पहले एक ढाबा था और वहां पे क्या कहते हैं, एक ट्रक वाला, ढाबे पे ट्रक वाला आता है, तो ट्रक वाला आया और मतलब वो देखा है ना कि खाट वाट बिछा के बाहर लोग बैठे होते हैं, मतलब बहुत छोटा सा ढाबा था, तो एक ट्रक वाला आया रात शाम के टाइम पे, सनसेट हो रहा था उस टाइम पे, उस टाइम के करीब ट्रक वाला आया और वो नींद में था, नशे में था पता नहीं, पर
वो ट्रक सीधा आके वो ढाबे को उड़ा गया और जितने लोग वहां थे सब मर गए थे, ऐसा ऐसा सुनने में आया था। तो अब ये कहा जाता है कि अगर तुम्हें वो ढाबा देखे ना, ठीक है, ढाबा हाँ, पूरा हाँ पूरा ढाबा दिखता है, और सेम मतलब सारे लोग जिस टाइम पे बताया जा गया था कि उधर बैठे होते हैं तो वहीं पे वो लोग बैठे मिलेंगे, ठीक है। और अगर तुमने बाय चांस, और वहां पे ना कुछ लोग ऐसे हाथ दिखा के बोलेंगे कि आ जाओ खाना, हाँ रोकते हैं, खाना वाना खा लो, और अगर तुम बाय चांस वहां पे रुक गए ना उस ढाबे पे, तो तुम आगे जाओगे, ठीक है, और आगे तुम जितना मर्जी आगे चले जाओ तुम्हें वो ढाबा फिर दिखता रहेगा, और ढाबा फिर दिखता रहेगा। तुम कितनी भी बार तुम गाड़ी आगे ले जाओ पीछे ले जाओ, वो ढाबा तुम्हें दिख, मतलब तुम वहीं पे वो लूप करते रहोगे, वो ढाबा दिखता रहेगा। और जब तक तुम्हें वो पूरा सीन नहीं दिखे ना कि एक ट्रक आएगा सामने से और वो ढाबे को तुम्हारे सामने उड़ा के लेके जाएगा, ठीक है, तब तक तुम्हें वो ढाबा दिखते रहेगा। तो तुम लाइक वहां पे ऐसा था कि अगर तुम्हें वो ढाबा दिख रहा है, ठीक है, तो तुम ऐसा बोला जाता था कि तुम गाड़ी में हो, पैदल हो, तो वहीं रुक जाओ, ढाबे से थोड़ा दूर उड़ जाओ, क्योंकि अगर तुम ढाबे के आसपास भी हो तो ट्रक तुम्हें भी उड़ा के ले जाएगा। ऐसे उसकी स्टोरी बन रखी थी। तो हाँ लाइक सैल्मन, तो उसमें ये था कि मेरे नेबर्स गए थे तो ना उन्होंने मतलब जहाँ पे शुरुआत हुई है स्टोरी की शुरुआत हुई है अभी तो बेस बना रहा हूँ yes, बेस बना क्या इसे कहते हैं स्टोरी टेलिंग आगे बोलो। तो मेरे नेबर्स गए थे तो उनको जैसे बोल रहा कि झुंझुनू क्रॉस करना था, तो जिस रोड पे माना जाता था कि ढाबा वहां पे था, मतलब वो रोड ऐसे थी और एक ऐसे टी पॉइंट सा बन रहा था, तो उनको ना टी पॉइंट से मतलब जो इस रोड पे ढाबा था और उनको इस रोड से जाना था जो टी पॉइंट का ऐसे वाला हिस्सा होता है, तो वो लोग वहां से गए और ना उन्होंने उनको जब पता था उन्होंने जैसे उधर देखा तो उनको थोड़े दूर पे एक बिल्डिंग सी दिखी जो वहां पे कभी नहीं होती थी और बाहर खाट पे लोग बैठे हुए थे, उनको लिटरली वो देखा, उन्होंने बताया कि हमें वो साफ साफ दिखा है कि वहां पे खाट पे लोग बैठे हुए हैं और वहां पे ढाबा बन रखा है, एक बिल्डिंग बन रखी है छोटी सी स्टॉल टाइप सा जहाँ पे लोग चाय वगैरह नाश्ता कर रहे हैं। फिर क्या करा उन्होंने, वो भाई गाड़ी भगाई है उन्होंने 60-70 की स्पीड से, भाई भाई दुम दुलन करके भागे हैं वो लिटरली भागे हैं वहां से और कह रहे कि भगवान की दया से कि हमें बार बार ढाबा नहीं दिखा, पर अगर हम उस रोड पे जाते तो मे बी उनके साथ भी वही होता। तो इट इज स्टिल अ मिस्ट्री कि वहां पे ऐसा है या नहीं, पर चलते हैं। और जहां तक मुझे और जहां तक मुझे याद है कि ये वाली स्टोरी ना शायद फियर फाइल्स में भी आई थी एक बार, तो ये मत बोलना कि मैंने उधर से उठाई है, पर ये मेरे नेबर्स ने मुझे बताई थी कि ये फियर फाइल्स में आई है, तो मैंने बाद में जब सर्च करा तो फियर फाइल्स का एक एपिसोड था झुंझुनू ढाबे के ऊपर, तो बहुत ये राजस्थान में बहुत उस एरिया में बहुत ये हॉरर टाइप की स्टोरी मानी जाती है। तो वहां पे ना मेरा पैर जा रहा उधर, ना मेरा सर जा रहा उधर, कोई कुछ नहीं जा रहा, इधर ही बैठे रहो चुपचाप, लेकिन तू जाएगा उधर। ये तो हो रहा है ना, चलते हैं वहां पे एक बारी, इसको एच ब्लॉक के रोड पे अगर मैं स्ट्रीट लाइट बंद कर दूं ना चलो ओके फिर, बाय जी बाय, सब्सक्राइब लाइक कमेंट सब कुछ कर देना हमारे, हाँ वेलकम बैक टू माय चैनल, सब्सक्राइब, और अगर और चाहिए आपको और वीडियोस तो बता देना, हम बना देंगे आपके, अगर नहीं चाहिए तब भी बना देंगे। ओके बाय जी बाय, ओके बाय जी बाय।